दोस्तों चलते रहना, गतिशील रहना प्रकृति का सबसे पहला नियम है। संसार में अधिकतर वस्तुएं गतिशील होती है। कहते हैं जो चलते नहीं है, जिनकी गति नहीं होती है, उनका विकास रुक जाता है। ठीक इसी तरीके से वास्तुशास्त्र में ठहराव यानी रुके रहना, यानी एक ही जगह पर किसी चीज को पड़े रखना शुभ नहीं माना जाता है। आपके घर में, आपके ऑफिस में रखी भारी भरकम वस्तुएं यदि एक ही जगह सालों पड़ी रहती है, महीनों पड़ी रहती है, तो क्या आप जानते हैं कि नाना प्रकार के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट आपके घर में, आपके व्यापार में, आपके घर में रहने वाले लोगों के सदस्यों के जीवन के अंदर घूमने लगते हैं। इसीलिए हमें समय समय पर हमारे घर, हमारे ऑफिस में रखी भारी वस्तुओं को दाएं बाएं, आगे पीछे खिसकाते रहना चाहिए, हटाते रहना चाहिए। आपके घर में एक ही जगह लंबे समय तक रखी हुई वस्तुएं वास्तु के अनुसार अशुभ परिणाम देती है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुडलक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा आपके घर, आपके ऑफिस में रखी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें समय समय पर दाएं बाएं, आगे पीछे खिसकाते रहने से आता है हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, हमारे घर में गुडलक। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए इस महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपके घर में सबसे स्थायी वस्तु कौन सी होती, परमानेंट वस्तु कौन सी होती है। जहां तक मेरा मानना है, आपके बेडरूम में रखा आपका पलंग, आपका बेड, आजकल इतने भारी भारी डबल बेड बनते हैं, तो आपके बेडरूम में, आपके सोने के कमरे में रखा हुआ आपका पलंग, आपका बेड सबसे स्थायी होता है, परमानेंट होता है। एक बार हमारे बेडरूम में बिछाया गया भारी भरकम बेड अर्थात आपका पलंग कई बार तो सालों तक और कई बार महीनों तक एक ही जगह पर पड़ा रहता है। करते भी साफ सफाई अगर कभी हैं तो शायद दीपावली पे करते होंगे, नहीं तो सालों से जो पलंग एक जगह फिक्स हो गया वो फिक्स ही है। तो क्या आप जानते हो कि एक ही जगह पर सालों या महीनों से रखा हुआ आपका बेड, आपका पलंग आप पति पत्नी के रिश्तों के मध्य कड़वाहट बढ़ाता है, वाद विवाद बढ़ाता है, कले कलेश का कारण बनता है, आपको गंभीर बीमारियों से ग्रसित करवाता है, नाना प्रकार के कष्टों से ग्रसित रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपके बेडरूम में रखा हुआ भारी भरकम आपका बेड, आपका पलंग, जिसे आप सालों, क्या आप महीनों तक हिलाते डुलाते नहीं हैं, आगे पीछे नहीं करते हैं, पलंग के नीचे जमा गंदगी को हटाते नहीं है क्योंकि उनके नीचे झाड़ू लगाने की जगह ही नहीं है, इस तरीके से बॉक्स वाले पलंग हैं, तो पलंग के नीचे जमा गंदगी को साफ सफाई नहीं करते हैं, तो इससे आपके कमरे में, आपके बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है और वो धीरे धीरे नेगेटिव एनर्जी का विस्तार होता रहता है, बढ़ती रहती है और उसका इम्पैक्ट उस बेडरूम में रहने वाले दंपतियों या व्यक्तियों के जीवन पर, उनके कैरियर पर, उस कमरे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के ऊपर, उनके मन के ऊपर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। आप में से कैसे कितने ऐसे दर्शक हैं जो रोज पलंग के नीचे सफाई करते हो, मेरी बात को मनन कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बड़े बड़े घरों के अंदर यह समस्या है। जिस स्थान पर बेड रखा हो उसके नीचे साफ सफाई का उचित ध्यान नहीं दिया तो उस कमरे में रहने वाले व्यक्ति मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन का पेशेंट बन जाते हैं। उस बेडरूम में रहने वाले पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, लठ बसते हैं। उस कमरे में पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, गलत संस्कार, गलत आदतें उत्पन्न हो जाती है। तो मूल बात क्या है, संक्षेप में हमें हमारे सोने वाले पलंग अर्थात बेड को समय समय पर आगे पीछे दाएं बाएं खिसकाते रहना चाहिए और पलंग के नीचे की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पलंग के नीचे की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। वहीं
आजकल बेडरूम में क्या हो गया, जो हमारे बेड है वो बॉक्स वाले बेड प्रचलन में है, क्योंकि सामान वामान रखते हैं हम उसमें। तो आपके बॉक्स वाले पलंग के बॉक्स में रखा बहुत अधिक भारी सामान, आपके बॉक्स वाले पलंग के बॉक्स में रखा हुआ बहुत अधिक सामान भी आपकी बर्बादी का कारण बनता है, आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। जिस बेड पर, जिस पलंग पर आप सोते हैं, उसके अंदर स्टील के बर्तन, लोहे का सामान बिल्कुल नहीं रखना है। स्वास्थ्य खराब होने की, कैंसर जैसी बीमारी की संभावना बनती है, पैरालिसिस बीमारी की संभावना बनती है, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, नींद ना आने जैसी समस्याएं धीरे धीरे जड़ पकड़ लेती हैं, अगर आपके सोने वाले बिस्तर के अंदर लोहे या स्टील का सामान है। तो ये पलंग आपके घर का सबसे पहला और मुख्य चीज है, जो हम शायद साल में एक बार जब साफ सफाई करते हैं तो हटाते होंगे। घर में दूसरी सबसे भारी वस्तु कौन सी है? आपकी सेफ, आपकी अलमारी। अलमारी में हम कपड़ों के साथ साथ घर की अन्य भारी वस्तुएं भी रखते हैं, सोना चांदी भी रखते हैं, पैसे भी रखते हैं, किसी एक विशेष अलमारी में अपने धन गहने, प्रॉपर्टी के कागजात आदि भी रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे घर में बड़ी बड़ी अलमारी को हम साल तिजोरी को सालों तक हिलाते डुलाते नहीं, उनका मूवमेंट नहीं करते। क्या आप जानते हो कि वर्षों से एक स्थान पर रखी आपकी तिजोरी, आपकी सबसे प्रिय, आपके सबसे कीमती अलमारी के नीचे और पीछे की तरफ जमा गंदगी, जाले आपके घर में, आपके व्यापार में रुपए पैसों की बर्बादी का कारण बनते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बनते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपके घर का पैसा, आपके व्यापार का पैसा अनावश्यक खर्चों में परिवर्तित होकर अपव्यय हो जाता है, खर्चा हो जाता है, कर्जे में डूब जाता है। लक्ष्मी चंचला है, उसको भी थोड़ी गति चाहिए, इसलिए महीने दो महीने में या सप्ताह में आप अपनी कीमती तिजोरी को, अपनी प्रिय अलमारी को थोड़ा बहुत हिलाते डुलाते रहिए, एक दो इंच आगे पीछे, एक दो फुट आगे पीछे करके, दाएं बाएं करके खिसकाते रहिए, और उसके पीछे लगे जाले, उसके नीचे जमा गंदगी को साफ करते रहिए। धन का मूवमेंट अच्छा रहेगा, आपके जीवन में सुख आनंद आएगी, प्रसन्नता का भाव रहेगा। जी, और पंडित जी कुछ और भी आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ें हम सही करके अपने जीवन में गुड लक ला सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपसे बात करी आपके घर में रखे बेड और अलमारी, अब मैं बात करता हूँ आपके ड्राइंग रूम में रखा हुआ सोफा। हमारे घर के ड्राइंग रूम में रखा हुआ सोफा एक समय अवधि के पश्चात नकारात्मक एनर्जी छोड़ने लगता है, क्या आप जानते हो? आजकल अनेक घरों में सोफे को फिक्स कर देते हैं, ऐसे कर देंगे कि कोई उसको छेड़ नहीं सकता है, और जिससे सोफा सेट का मूवमेंट होना असंभव हो जाता है। ऐसे में आपके बैठने वाले सोफे के नीचे साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो करना क्या है, सोफे के नीचे स्वच्छता की व्यवस्था करें, उसके नीचे हल्का फुल्का प्रकाश कर दें, हो सके तो किसी दिन उसको थोड़ा सा आगे पीछे खिसका दे। ऐसा करने से उनके अंदर भी जीवन आ जाएगा और हमारे घर में भी सकारात्मक एनर्जी शुरू हो जाएगी। तो अपने घर के सोफा सेट के नीचे भी साफ सफाई करते रहिए। फ्रिज, आपके घर में रखा फ्रिज, उसको भी साफ करने के बहाने आगे पीछे नीचे उसके साफ सफाई करते रहिए, तो उसका मूवमेंट बना रहेगा। अनाज की जो टंकियाँ आपके घर के अंदर रखी है, उनको भी आगे पीछे करते रहिए, खिसकाते रहिए, अनाज का रस बना रहता है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। एक ही जगह परमानेंट रखी चीज़ नेगेटिव एनर्जी छोड़ने लग जाती, अन्न की कमी नहीं रहती है। अब आपके ऑफिस में रखी आपकी टेबल, ऑफिस में रखी आपकी टेबल के नीचे गंदगी को आप समय समय पर साफ करवाते रहे, नहीं तो आप हो जाएंगे बर्बाद। वो टेबल सालों पड़ी रहती है, उसके नीचे कभी हम साफ सफाई नहीं करते हैं। तो बर्बादी से बचना है, काम में तरक्की उन्नति चाहिए, तो ऑफिस टेबल के नीचे साफ सफाई कीजिए। घर की छत के ऊपर रखा सामान, जैसे पुराना लोहा, लकड़ी, कूलर, कागजात के कार्टून व इत्यादि जो भी हैं अनावश्यक वस्तुएं छत पर हम रख देते, वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा का फ्लो हो जाता है।
छत पर कूड़ा या अनावश्यक वस्तु डालने से राहु अशुभ प्रभाव देता है। छत का सामान जो काम का नहीं है निकाल के बाहर कर दीजिए। उपयोगी वस्तुओं को किसी छत वाले कमरे में रखिए तो आपका मकान नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ आपको कि आपके घर के अंदर रखा हुआ बेड, टीवी का शोकेस, उसके पीछे भी हम सालों सफाई नहीं करते हैं। बर्तनों की अलमारियाँ, सजा सजा के बर्तन रखते हैं, साल में एक बार बर्तन निकालेंगे और साफ करके वापस रख देंगे। वो घर में जो आपने इतने सजा सजा के जो क्रॉकरी रख रखी, चांदी सोने के बर्तन, शानदार जो क्रॉकरी है वो लोगों को दिखाने के लिए रख रखी है। अरे मनुष्य जीवन मिला, उसका उपयोग करिए ना, रोज आप उसका उपयोग करिए, खाइए उसको। उसको किसको देखने के लिए रख रखा है? आज हम जिंदा है, आज हम खा रहे हैं, कल किसने देखा? जो हम कर रहे हैं वही हमारे बाल बच्चे करते। तो वो जो आपने अपने शोकेस में इतनी जो क्रॉकरी जो जमा करके रख रखी है दिखावटी लोगों को दिखाने के लिए, देखो हमारे पास कितनी सुंदर क्रॉकरी है, उसको काम में लेना शुरू कीजिए। उसको सजा के मत रखिए, नए नए बर्तन में खाना खाइए। आप राजा से कम थोड़ी ना है, मनुष्य जीवन मिला है, राज से जीवन जियो ना आप। अगर चांदी की थाली घर में है तो उसमें भोजन करो, सोने के चम्मच से भोजन करो आप, कौन रोकता है आपको? और किसके लिए तिजोरी में आपने वो सोने चांदी के बर्तन रख रखे हैं? उपभोग करो, ये मनुष्य जीवन वापस मिले या नहीं मिले, बाद में जब कोई भूत प्रेत बन जाएंगे या मोक्ष हो जाएगा या और किसी योनि में जाएंगे तब सोचेंगे, अरे उस योनि में इतना मौका मिला था कि हम चांदी की थाली में भोजन कर सकते थे लेकिन किया नहीं। आप और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे घर में चांदी की थाली, कटोरी, चम्मच है लेकिन हम खाते नहीं हैं, उसमें उसको संभाल के तिजोरी में रखते हैं। दोस्तों निवेदन है उन बर्तनों का प्रयोग